तो एक बार उनसे नैन से नैन मिल जाए तो दिल की धड़कन फिर तेज हो जाती है, वो अपनी कृपा कर देते हैं, वो आनंदित कर देते हैं, वो रस धारा में सराबोर कर देते हैं। बड़े प्रेम बड़े भाव से आइए बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की जय, ओ बिसर गई सुध रही नतन की जय हो, ओ बिसर गई सुध रही नतन की, आए मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई, हो बाके बिहारी की अखिया जागो, मर गई बाके बिहारी की अखिया जागो, कर गई बाके बिहारी की अखिया जागो, कर गई बाके बिहारी की अखिया जागो, कर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, हो मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई, हो बाके बिहारी की अखिया जागू, कर गई बाके बिहारी की अखिया जागू, कर निशान बिहारी की अखिया जादू, कर गई दुनिया का हर बंधन टूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन टूटा, इन्हें देख के मैं तो लो, 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 अरे रे पागल हो गई हो गई हो गई हो गई, मर गई मर गई मर गई, हो आगे बिहारी की
मटक कजरा रे नैना, मटक मटक कजरा रे नैना, मटक मटक कजरा, मटक मटक कजरा रे नैना, मेरे बिना नहीं आए तेरा, मेरे बिना नहीं आए तेरा, मटक मटक रे नैना, मेरे बिना नहीं आए तेरा, दुनिया से तो श्री राधे। आज हमारे बीच श्री अमरनाथ जी शास्त्री पहुंचे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। सुरेंद्र कुमार जी धुनिका वाले, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। बोले बांके बिहारी लाल की। आप सभी को मालूम है कल 10:15 बजे हवन यज्ञ होगा, पूर्ण आहुति होगी और ठीक 12:30 बजे भंडारा होगा। जिन माताओं बहनों ने भाइयों ने भंडारे में सहयोग देना है वे अपना सहयोग हमारे देशराजी बाबा जी को लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मनीष सुखदेव जी महाराज राज्य परीक्षा से कहते हैं, राजन मेरे परमात्मा कृष्ण की कथा सुनाते थे सुदामा जी महाराज। पत्नी बोली जाते क्यों नहीं है कि सुशीला, मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, लेने के लिए नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा थी दर्शन करने की। सुशीला ने कहा जब इतने बड़े कृपालु दयालु हैं तो मैं एक बार चले जाओ, वहां जाते ही सब कुछ मिल जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और जोर से, थोड़ा और जोर से। बलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। दो चार छह घरों से तंदुल लेकर आई कि तुम दर्शन करने ही चले जाओ, कहीं से छोटे कहीं से मोटे कहीं से नए कहीं से पुराने चावल, पॉलोथीन पहले थी नहीं, घर में कोई बैग नहीं है, कोई साबुत वस्त्र नहीं है, फूस की छान थी, बारिश भी होती है तो पूरा पानी अंदर आता है, कोई बर्तन साबुत नहीं है, टूटे फूटे बर्तन हैं, पैरों में बवाई फटी हुई है, हड्डी हड्डी निकली हुई है, इतनी गरीबी थी। तंदलों की पोटली अपने ही साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसी में तंदलों को बांधा। सुशीला बड़ी चतुर है, सोच करने लगी, मांगी का चैन ही बोले भंडारी हैं, परमात्मा जब इस पोटली को खोलेंगे तो सोचेंगे कि सुशीला की साड़ी का पल्लू है, तो परमात्मा इस पल्लू की लाज जरूर जरूर रखेंगे, इसलिए हम प्रसाद पल्लू में लेते हैं। परमात्मा अपनी पूरी कृपा करते हैं, मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जब हम पल्लू में प्रसाद लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कैसे लेना चाहिए प्रसाद, ऐसे और कई कई बार
परमात्मा नाम लेकर सुदामा जी महाराज आगे बढ़े। शास्त्र कहते हैं जब परमात्मा की तरफ हम एक कदम रखते हैं, मेरे प्रभु हजार कदम रखकर जीव की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मलाका केवट का वेश बनाकर रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी पर आ गए। संध्या का समय था, भैया अंतिम बार नौका पड़ रही है, किसी को पार उतरना हो तो बोल देना। सुदामा जी ने कहा भैया पार तो हमको जाना है पर हमारे पास किराया नहीं है, थोड़े से तंदुले मित्र से मिलने जा रहा हूँ, अगर उसने कुछ दिया तो वापसी में मैं आपको जरूर देकर जाऊंगा, वायदा करता हूँ। भगवान ने मला के वेश में कहा भैया आप जैसों को तो मैं बिना पैसों के भी पार उतार देता हूँ। बैठार कर लेकर जा रहे थे, कहाँ जा रहे मेरे मित्र हैं, बचपन के सका हैं, बहुत धनवान हैं, यहाँ के राजा हैं, भैया मांगूंगा तो हूं नहीं, अगर उसने कुछ दिया तो तुम्हें देकर जाऊंगा। किससे कर रहे थे बात? भगवान से ही कर रहे हैं। कितनी दूर है कि यहां से अभी 600 मील है कि भैया इतना तो मैं आ गया, यहां से आगे अब नहीं जा सकता। पेड़ के नीचे सो गए। द्वारकापुरी को नजदीक कर दिया, जैसे ही देखा द्वारका सुंदर सुशोभित शहर दिखाई दे रहा है। पूछा भैया यहाँ हमारा लाला रहता है, कन्हैया कृष्ण गोपाल नंदलाल कृष्ण श्याम सुंदर मधुसूदन मुरारी घनश्याम चित्रचोर गोपाल नटवर नागर अनंत नामों से पुकारा। लोगों ने सोचा कोई पागल आ गया है, धक्का मार मार कर भगा देते हैं। बेहोश हो गए भूखे प्यासे, जब धक्का मार मार कर उनको कोई सुनता नहीं है, जैसे तैसे पता लगा यही भगवान का दर है। दर से भी बार बार धक्का पड़ते हैं परंतु परमात्मा भक्त दीवाने थे, बुरा नहीं मानते हैं। और आजकल हम थोड़ी सी जगह नहीं मिली ना, हाय तो वह मचाते हैं 1100 पर्ची कटवा ले गए बाबा, हमें बैठने की भी जगह आना थी, हमारे हाथ से तो माला ना डलवाई, या बाबा फिर बताएंगे आपके ये पर्ची कटवाने। क्योंकि 1100 दिए हैं, हमसे आरती क्यों नहीं कराई, हमको मंच पे क्यों नहीं बुलाया, बच्चे तैयार बैठे थे घर में, पापा आएंगे टीवी पे दिखाई देंगे, हम तो दिखे ही नहीं। भगवान के दरबार में ये नहीं होना चाहिए, ये माता का दरबार है और बाबा अपने लिए कुछ करता नहीं है, बाबा का परिवार बड़ा संपन्न है, मैं तो बेटाओं के यहां गया था, फैक्ट्री चल रही है, ये इतना ठाट बाट किया है हमारे तुम सबके लिए किया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम तुम सब सहयोग करते हैं तो धर्म की रक्षा होती है, कितना आनंद आ रहा है। आज करोड़ों माता बहन अपने घरों में बैठकर इस आनंद की अनुभूति ले रही है, क्यों? क्योंकि बाबा की करामात है। बोलो राधे राधे। पूरे दिन भर घूमते हैं भूखे प्यासे, फोन करते हैं कौन सेठ ऐसा है जो देगा, कौन सेठ ऐसा है जो देगा, ये इतना बड़ा बनाया कम से कम 3 बरातों को ऊपर नीचे रोक सकते हैं। राधे 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 राधे। ये शोभा है बाबा, मंडी डब्बाली की शोभा है, एक मिसाल है। जहां आदमी रहता हो और वहां पर सब उससे जलन करते हैं, परंतु मैंने देखा बाबा की मंडी डब्बाली में 10 में से 11 नंबर है, 9 नहीं है, पूरे के पूरे नंबर है। क्योंकि प्रेत के लिए करते हैं, सबको पता है। और माता रानी का गुम्मद भी बनेगा, दरबार भी बनेगा। मैं तो कहता हूं जब जब बाबा आपके पास आए 1100 मांगे तो 2100 दिया करो। राधे 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 राधे। कितना अच्छा है, बाबा ने किया है, करवाया है। हम तुम सबसे एक की तो मेरे बस की नहीं, तुम्हारे बस की नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी, हम तुम सबके सहयोग से ही धर्म चलता है। धर्म का कलयुग में एक पैर है, हम तुम सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो धर्म चलता है, धर्म बढ़ता है। भगवान कृष्ण चाहते तो गिरिराज पर्वत को अकेले भी उठा सकते थे, फिर भी कहा भैया तुम सब सहयोग करो, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम इस पर्वत को ऊपर उठा लेंगे। क्योंकि पर्वत क्या है? धर्म है। धर्म हम सबके सहयोग से चलता है। और ये विशेष है जो आगे होता है उस पर बुराई आती है। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर,
और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।